श्री गणेशाय नमः। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम बरीशुक शौनक भीष्म दालभ्यान रुकमांगदार्जुन वशिष्ठ विभीषण आदिन पुण्यानिमान परम भागवतान स्मरामि। शुरू करते हैं भक्तमाल में 98 छप्पे हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें कुछ अन्य भक्त बचे हुए हैं उसको पूरा करते हैं। श्री लक्ष्मण जी परम संत सेवी श्री लक्ष्मण जी संत से निवास बनवा रहे थे। अचानक छत का पटाव होते समय नीचे की बल्ली टूट गई। सभी लोग चिंता में पड़ गए। इन्होंने कहा कि कुछ भी नहीं होगा। प्रातःकाल देखने पर पता चला कि सचमुच छत का कुछ भी नहीं बिगड़ा। लोगों ने संत भगवंत की सेवा का प्रत्यक्ष चमत्कार देखा। श्री लफरा जी श्री लफरा गोपाल देवाचार्य जी आप श्री निम्बार्क संप्रदाय आचार्य श्री स्वामी हरिव्यास देवाचार्य जी के कृपा पात्र थे। श्री गुरुदेव का दिया हुआ नाम श्री गोपाल देव जी था। एक बार गुरुदेव ने एक आश्रम की देखरेख करने के लिए इन्हें सौंप दिया, लेकिन बहाना बनाकर तीर्थ यात्रा करने चले गए। बाद में पता चलने पर गुरुदेव ने इन्हें लफरा नाम से पुकारा, जिससे यही नाम पड़ गया। एक बार विचरण करते हुए संत सेवी आश्रम में पहुंचे। वहां महंत जी को उदास देखकर पूछा तो महंत जी ने कहा कि यहाँ का दुष्ट यवन बादशाह बहुत परेशान करता है। आपने कहा सभी संत यहाँ से चले जाएं, तो मैं अकेले ही बादशाह को देख लूँगा। ऐसा ही किया गया। दूसरे दिन सिपाही सभी संतों को गिरफ्तार करने आए। कोई न मिलने पर श्री लफरा जी को पकड़कर ले जाकर कैद में डाल दिया। रात्रि में बादशाह को मोहम्मद साहब ने स्वप्न में आदेश दिया कि इन्हें शीघ्र छोड़ दो, नहीं तो तुम्हारा सर्वनाश कर दूंगा। तब बादशाह ने इन्हें छोड़कर अपराध के लिए क्षमा मांगा और साधु सेवा निमित्त बहुत सी जमीन भी भेंट दी। अब हम लोग पढ़ेंगे श्री कुंभन दास जी के बारे में। आपका प्रादुर्भाव गौरवा क्षत्रिय कुल में श्री गोवर्धन के निकट जमुनावत ग्राम में विक्रम संवत 1525 कार्तिक कृष्ण एकादशी को हुआ था। कुंभ संक्रांति के पर्व परमात्मा के आशीर्वाद से आप प्रकट हुए थे, इससे कुंभन दास नाम रखा गया था। बचपन से सात्विक प्रवृत्ति एवं खेती के द्वारा जीवन निर्वाह होता था। 1550 संवत में आप श्रीमद वल्लभाचार्य जी की शरणागति पत्नी सहित स्वीकार किए। श्री महाप्रभु जी से पत्नी पुत्र प्राप्ति का एवं श्री कुंभन दास जी ने भक्ति का वरदान मांगा। श्री महाप्रभु जी ने इन्हें कवि एवं संगीतज्ञ जानकर श्री नाथ जी की सेवा प्रदान की। एक बार यवनों के आतंक से भयभीत होकर श्री ठाकुर जी के कहने पर श्री कुंभन दास जी श्री रामदास जी भेतरिया श्री माणिक चंद जी श्री सद्दू पांडे जी श्री नाथ जी को भैंसे में बैठा कर टोणकों घनों एकांत स्थल में गए। भगवान नहीं कहा था इनसे कि वहाँ पे मुझे ले जाओ स्वयं। थोड़ा सा भोग लगाने पर श्री ठाकुर जी ने कहा कि सारा भोग लगा दो, फिर बाद में देखा जाएगा। भोग लगाते समय सभी लोग ओट में बैठ गए। उसी समय श्री जी ने आकर दिव्य भोग अपने हाथ से श्री ठाकुर जी को पवाया। श्री कुंभन दास जी ने उस समय व्यंगात्मक पद गाया, लाल तू ही भावत टोणको घनो कांटे बहुत गोखरु लागे फाटत है सब तनो आवत जावत बेल निवारे बैठत है जहाँ एक जनो सिंगो सिंघे कहा लोखरी को डरू ते छाणी दियो थौन अपनो तब बूढ़त ते राखी लिए हैं सुरपति तो त्रनहू न गनियो कुंभन दास प्रभु गोवर धनधर वह कौन ढेरिनी रांड को जनियो। यह पद सुनकर श्री ठाकुर जी हंस गए और बोले अब उपद्रव शांत हो गया है, अतः अपने मंदिर में चले। भगवान ने कहा कि अब जो वहाँ पे उपद्रव था ना वह सब शांत हो गया, अब वापस चलो मंदिर। हंसते हुए भगवान ने कहा। एक बार अकबर बादशाह ने श्री कुंभन दास जी को पद सुनाने के लिए फतेहपुर सीकरी बुलवाया। इन्होंने झुंझलाकर इन्हें संकोच पद गाया। भगत को कहा सीकरी काम आवत जात पनैया टूटी बिसरी गयो हरि नाम जाको मुख देखत दुख उपजे ताको करन परी पर नाम कुंभन दास लाल गिरधर बिनु सब झूठो धन धाम। अकिंचन भक्त की ऐसी अनन्य भक्ति देखकर बादशाह ने ससम्मान विदा किया। एक बार इनकी गरीबी देखकर श्री ठाकुर जी ने कुछ देना चाहा, लेकिन इन्होंने अस्वीकार कर दिया, जबकि थोड़ी सी खेती थी और परिवार बड़ा था। 7 पुत्र और 7 पुत्र वधू
विधवा भतीजी तथा दंपत्ति कुल 17 प्राणी थे, इतने लोग थे इनके घर में, इतनी गरीबी थी। तब श्री ठाकुर जी ने राजा मान सिंह जी को इन्हें कुछ देने के लिए प्रेरित किया। भगवान की देखिए प्रसन्नता के लिए सभी कर्म करते थे ना, तो भगवान ने स्वयं कहा, भगवान ने ठेका ले लिया फिर, और तब ठाकुर जी ने राजा मान सिंह को कुछ देने के लिए प्रेरित किया। अगर देखिए ये भगवान की प्रसन्नता के लिए सभी कर्म नहीं करते, अपनी अपने मन मर्जी करते, तो ऐसा भगवान नहीं करते, भगवान तभी आते हैं। तो भगवान ने राजा मान सिंह जी को इन्हें कुछ देने के लिए प्रेरित किया। तब इधर श्री ठाकुर जी कुंभन दास जी की गोदी में बैठकर बढ़िया बात बताना चाहते थे, गोदी में भगवान बैठ गए और बढ़िया बात बताना चाहते थे। इतने में ही राजा मान सिंह आ गया, तो ठाकुर जी अंतर्धान हो गए, भगवान इनकी गोदी में बैठे और कुछ बताना चाहते थे, यही बात कि राजा तुम्हारे घर आ रहा है, उससे धन मांग लेना। लेकिन उतनी देर में क्या, राजा जल्दी से आ गया, तो जो ठाकुर जी गोदी में बैठे थे वो अंतर्धान हो गए, गायब हो गए। श्री कुंभनदास जी के मन में चिंता लग गई कि श्री ठाकुर जी ना जाने का कह तो भगवान पता नहीं कुछ कहने जा रहे थे लेकिन एकदम से गायब हो गए। उनके मन में चिंता आई कुंभनदास जी के में। राजा से बातचीत में भी यही बात बार बार ना जाने का कह तो निकल पड़ती ना जाने का कह तो उनके मुँह से निकल पड़ती कुंभनदास जी के। श्री कुंभनदास जी ने भतीजे से तिलक करने के लिए आसन और दर्पण मांगा। भतीजे ने कहा, पिताजी पड़िया आसन खा गई और दर्पण पी गई, दर्पण पी गई और आसन खा गई, भतीजे ने कहा। तो राजा की समझ में बात नहीं आई, उन्होंने कहा कि आसन खा गई ऐसा और दर्पण पी गई ऐसा कैसे हो सकता है। तब बताया कि घास का आसन था, घास का आसन था और कुंडी में पानी का दर्पण था, मतलब था ही नहीं, पानी का कोई दर्पण होता है तो लगभग था ही नहीं, पर्दा जो था उसे पानी का ही था, बस पानी से ही ढका था कुंडी, कुंडी में पानी का दर्पण था। राजा ने विशेष गरीब जानकर मणि जड़ित दर्पण दिया, लेकिन श्री कुंभनदास जी ने अस्वीकार कर दिया, कुंभनदास जी ने उसको भी अस्वीकार कर दिया। मुहरे गांव का पट्टा दुकानदार को पैसा आदि देना भी अस्वीकार कर दिया। अंत में श्री कुंभनदास जी ने कहा, मैं तुमसे यही मांगता हूँ कि अब कभी मेरे पास मत आना। राजा ने कहा कि मैंने बहुत से विरक्त त्यागी संत देखे हैं लेकिन ऐसे गृहस्थ त्यागी कभी नहीं देखे। चरणों में वंदन करके राजा चला गया। थोड़ी देर के बाद श्री ठाकुर जी आकर श्री कुंभनदास जी की गोदी में बैठ गए। श्री कुंभनदास जी ने पूछा कि जय जय आप क्या कहना चाहते थे। ठाकुर जी ने कहा कि मैं यही तो कहना चाहता था कि राजा आने वाला है उससे कुछ मांग लेना। आपने कहा, प्रभु आपको पा लेने के बाद संसार में कुछ भी मांगना शेष नहीं रह जाता है। कुंभनदास जी ने कहा कि आपको पा लेने के बाद कुछ भी शेष नहीं रह जाता, वैसे अगर वो कुछ मांग लेते तो वह माइक नहीं होता, क्योंकि भगवान जब आज्ञा कर देते हैं ना कुछ देने के लिए और अपने पास से देते हैं, तब जो भगवान देते हैं वह बंधन कारक नहीं होता है, ऐसा होता है लेकिन भक्त जो होते हैं वो फिर भी नहीं मांगते हैं कुछ भी। आपने कहा, प्रभु आपको पा लेने के बाद संसार में कुछ मांगना शेष नहीं रह जाता। एक बार आपकी गरीबी देखकर श्री विट्ठल नाथ जी ने भक्तों के द्वारा कुछ आर्थिक सहायता के लिए श्री द्वारकापुरी की यात्रा में लेकर चल दिए। थोड़े दूर गए कि श्री कुंभनदास जी को श्री नाथ जी का वियोग व्याप गया। उस समय का पद, जब द्वारका गए तो थोड़ी दूर पे ही वियोग व्याप गया और उस समय का पद लिखा है कि तेक दिन हुए जू गए बिन देखें, तरुण किशोर रसिक नंद नंदन कछुक उठती मुख देखें, वह चितवनी वह हास मनोहर वह नटवर वपु भेखे, वह शोभा वह कांति वदन की कोटिक चंद विशेषे, श्याम सुंदर संग मिली खेलन की आवत जिया अपेखें, कुंभन दास लाल गिरधर बिनु जीवन जन्म अलेखे। इनकी विरह दशा देखकर श्री विट्ठल नाथ जी ने लौट कर जाने की आज्ञा दे दी। आप श्री नाथ जी की सेवा से कभी अलग नहीं होते थे। एक बार छठवें पुत्र श्री कृष्णदास जी की गोरक्षा करते हुए सिंह के द्वारा मृत्यु हो गई। श्री कुंभनदास जी मूर्छित हो गए। अन्य लोगों ने पुत्र का मुंह जानकर उनकी भक्ति पर कलंक लगा रहे थे। ये मूर्छित जो थे भगवान के ध्यान में हुए थे लेकिन लोग सोच रहे थे कि पुत्र वियोग में मूर्छित हो गए, तो लोग कलंक लगाने लगे। श्री विट्ठलनाथ जी ने लोगों से कहा, श्री कुंभनदास जी को पुत्र का मुंह नहीं है। तुरंत श्री गोसाई जी ने
श्री कुंभनदास जी कान में कहा, मैं तुम्हें कल श्री नाथ जी का दर्शन कराऊंगा, क्योंकि वैष्णवों को मरण शौच का सूतक नहीं लगता है। दर्शन करने भगवान के तब भी जा सकते हैं वैष्णव जो होते हैं। तो ऐसा सुनकर तुरंत मूर्छा दूर हो गई, सभी के शंका का समाधान हो गया। एक बार श्री विट्ठलनाथ जी के पुत्र श्री गोकुलनाथ जी एवं श्री बालकृष्ण जी, इन्हें श्री नवनीत प्रिय जी के दर्शन के लिए गोकुल लिए जा रहे थे। श्री कुंभनदास जी को ध्यान आया कि श्री नाथ जी के जागने का समय हो गया है, अतः बीच रास्ते से ही लौट आए। तब इन्होंने जागरण का पद गाया, तभी श्री ठाकुर जी जगे। एक बार आप पारासोली में अपने खेत में थे, श्री नाथ जी वहीं बालकों के संग खेल रहे थे, तो श्री ठाकुर जी ने कहा, आप कहाँ जा रहे हैं? मैं तो यहीं हूँ। श्री कुंभनदास जी ने कहा, यहाँ का तुम्हारा कोई भरोसा नहीं, ना जाने कब भाग जाओ। लेकिन श्री आचार्य जी के द्वारा प्रतिष्ठित मंदिर से कहीं नहीं भाग सकते हो, यहाँ पे जो है ना, कब अंतर्धान हो जाओ, तो अभी तो मुझे दिख रहे हो, लेकिन कब अंतर्धान हो जाओ कुछ पता नहीं है। लेकिन जो मंदिर में श्रीनाथ जी है ना, वहाँ पे आप प्रतिष्ठित हो, वहाँ से भागोगे नहीं। इसलिए इन्होंने कहा ऐसा, मुझे तुम्हारा इतना विश्वास नहीं है जितना श्री आचार्य कृपा का भरोसा है, इनको जो जितना गुरु कृपा का अपना भरोसा था उतना नहीं है। इनके प्रेम को देखकर श्री ठाकुर जी हृदय से लग गए। एक बार श्री विट्ठलनाथ गोसाई जी की जन्म तिथि के दिन सभी लोगों ने श्रीनाथ जी के कहने पर चंदा करके श्री ठाकुर जी को जलेबी का भोग लगाकर सभी को बांटा गया। श्री कुंभनदास जी ने अपनी दो पड़िया और दो पड़वा बेचकर चंदा दिया। ऐसी गरीब परिस्थिति में इनका इतना योगदान सुनकर श्री गोसाई जी गदगद हो गए। श्री कुंभनदास जी से कोई पूछता कि आपके कितने पुत्र हैं, तो आप उत्तर देते कि मेरे डेढ़ पुत्र हैं। क्या कहते हैं? डेढ़ पुत्र हैं। कृष्णदास आधा पुत्र है, क्योंकि श्री ठाकुर जी की गोचारण मात्र सेवा करता है, और चतुर्भुज दास पूरा बेटा है, क्योंकि वह प्रभु की नाम सेवा एवं स्वरूप सेवा कैंकर्य करता है। शेष पांच, इनके सात पुत्र थे, तो बाकी बचे जो शेष पांच, तो भगवत विमुख होने से मैं उन्हें पुत्र ही नहीं मानता हूँ। श्री अष्टछाप के महाकवियों में श्री कुंभनदास जी एवं श्री अष्टछाप के महाकवियों में श्री कुंभनदास जी एवं श्री चतुर्भुजदास जी का नाम बड़े आदर पूर्वक लिया जाता है। जीवन की 115 वर्षीय हरि सेवा में बिताकर संबत 1640 में भौतिक शरीर को परित्याग कर प्रभु की नित्य लीला में लीन हो गए। आपका अंतिम पद यहाँ पे लिखा हुआ है, रसिकनी रस में रहती घड़ी, कनक बेली वृषभानुनंदिनी, श्याव तमाल चढ़ी, बिहरत लाल संग राधा के कोने भांति गड़ी, कुंभन दास लाल गिरधर संग रति रस केली बड़ी। आप बड़े संत सेवी थे। अब अगला चरित्र हम लोग पढ़ेंगे श्री खेमदास जी का। आप बड़े संत सेवी थे। एक बार ब्राह्मण ने व्यंग में इनसे कहा कि देखो, ये बैल सच्चा साधु है, इसे जो कुछ मिल जाता है खा लेता है और खूब परिश्रम करता है। ये बाबा लोग फोकट का खाते हैं और मौज उड़ाते हैं। श्री खेमदास जी ने ब्राह्मण का बैल खो जाने पर स्वयं बैल बनकर खेत में बहुत श्रम किया। श्री ठाकुर जी की प्रेरणा से खोया बैल आ गया और वह ब्राह्मण को सींग से उठाकर पटक दिया तथा श्री खेमदास जी का चरण चाटने लगा। ब्राह्मण ने इन्हें सच्चा भक्त मानकर चरणों में पड़कर अपराध के लिए क्षमा मांगा। श्री खेमदास जी ने ब्राह्मण को संत सेवा का उपदेश दिया। श्री हरिदास जी। श्री अयोध्या निवासी श्री हरिदास जी बड़े संत सेवी थे। एक बार संतों की जमात आने पर घर में कुछ नहीं था। भक्त की चिंता को देखकर मंदिर में श्री राम जी ने अपने श्री चरण कमलों में पांच मोहरें प्रकट कर दी, जिससे खूब संत सेवा हुई। भगवान ने स्वप्न आदेश दिया कि संत सेवा के लिए रोज मोहरें प्रकट होंगी। आप अपने उपदेश में अधिकतर श्री अवध सरयू का महत्व वर्णन करते थे। श्री उद्धव जी। आप श्री राम जी के एवं संतों के बड़े प्रेमी भक्त थे। आपके उपदेश से एक राजा भी संत सेवा करने लगा। एक ठग ने नकली साधु का रूप धरकर राजा के यहाँ से एक युवती अपहरण कर लिया, जिससे राजा ने उद्धव जी से उपालंब दिया कि आपके कहने से मैंने संत सेवा प्रारंभ की और इसका यह परिणाम हुआ। श्री उद्धव जी ने धैर्य बनाया। हरी कृपा से थोड़ी देर में वह युवती आकाश मार्ग से महलों में आ गई, जिससे राजा की संत सेवा में और भी निष्ठा हो गई। ये वीडियो हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। अगली वीडियो में हम लोग
99वां छप्पे पढ़ेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।